दोस्तों कहते हैं सच्चा प्यार कभी मरता नहीं है, वही आज सच्चा और अच्छा उदाहरण आरिफ और सारस के बीच है। जुवन विभाग वालों को मजबूरन आरिफ पास सारस को लाना पड़ा। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ माय न्यू ब्लॉग में। हम लोग सारस आरिफ का दोस्त को जानते होंगे, उनका कितना प्यार था सारस के बीच में और आरिफ के जी के बीच में कितना प्यार था लोग तो जानते ही होंगे। अखिलेश यादव भी मिल चुके हैं, जो मुख्यमंत्री थे वो भी मिल चुके थे। भाई साहब उनको चाल हालांकि बहुत गलत किया गया उनके साथ, तो उनके साथ और उनके दोस्त के साथ सारस के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए कि अचानक से आए और अधिकारी आए और अचानक से लेकर चले जाए, तो भाई साहब बुरा तो लगेगा। भाई टू लव है, उतना प्यार करते थे सारस, इतना प्यार करता था हम लोग को, प्यार और सपोर्ट की वजह से उनको सारस वापस लौटा दिया गया है क्योंकि वो खाना नहीं खा रहा था। फाइनली आरिफ को मिल गया है वो सारस दोबारा। मैं आप लोग को वीडियो इस साइड में देख सकते हैं आप लोग। सबसे पहले आरिफ आज कैसा वो मिल रहा है, कितना खुश हो रहा है एक सारस। फाइनली उनका वो दोनों दोस्त फिर वापस से जुड़ चुके हैं, फिर जैसे पहले रहते थे, फिर वैसे ही खाओ जियेंगे, ऐश करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे। देखते थे आप लोग कितना पक्षी कितना खुश था आरिफ जी के साथ। हालांकि मुझे पता है कि सारस को रखना अलाउ नहीं है अपने साथ, लेकिन वो खुद अपने मर्जी से रह रहा है, तो भाई इसमें कोई रोक नहीं सकता, खुद अपनी मर्जी से रह रहा है। आरिफ जी खुद रख रहे हैं, वो भी कोई कैद करके थोड़ी रख रहा है उस सारस को। आराम से अच्छे से खाना खिलाया जा रहा है, आराम से अपने मन से रह रहा है, आरिफ जी के साथ में खाना खा रहा है। आप लोग तो जानते ही होंगे, देखे होंगे वीडियो बहुत वायरल हो रहे हैं इस टाइम सारस के साथ। अब सारस के साथ तो गलत व्यवहार किया नहीं जा रहा है, वो आराम से रह रहा है, ये भी नहीं कि उसे पिंजरा कर किया जा रहा है, आराम से रह रहा खा रहा है, बाहर घूम रहा है, जहाँ मर्जी वहाँ अपना जाता है, फिर वापस आ जाता है अपने दोस्त के पास। दोनों लोग दोस्त की तरह एकदम प्यार लाड प्यार करते हैं आरिफ जी, और देखते हैं आप लोग कितना प्यार किए थे। उसका पैर टूटा था, उसका सेवा किया, उसको बड़ा किया, उसी से अटैचमेंट हो गई। जब दोनों लोग राजी एक साथ में रहने के लिए, क्यों अलग किया जा रहा है, क्यों उनको इधर रुलाया जा रहा है, परेशान किया गया, भाई सब सभी लोग जानते ही थे ऐसा अलग नहीं करना चाहिए। फिर वापस अब उनका सारा जितना दोस्त दोनों लोग एक साथ मिल गए, काफ़ी खुशी हो रही है। हालांकि वो खाना वाना नहीं खा रहा था आरिफ के बिना, ना ही आरिफ खाना खा रहे थे, भाई सब काफ़ी रो रहे थे, काफ़ी दुखी हुए थे। हालांकि सभी लोग इतना पब्लिक का सपोर्ट, इतना पब्लिक का प्यार, कुछ लोगों का प्यार इतना था, तो भाई साहब वापस तो आ गए फाइनली, अब मेरे साथ मिल चुके हैं सभी लोग। चलिए यही सूचना देना था बस आपके लिए, इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बोलो बाय बाय बाय।